से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पेंतेकोस्त कलीसिया द्वारा जो झूठी शिक्षाएं दे रहा है, इस सिनोडल वर्ष में उनकी झूठी शिक्षाओं की खुलासा करते हुए सत्य क्या है, सही क्या है, कैथोलिक कलीसिया जो मसीह ने स्थापित किया वो कलीसिया क्या सच्ची शिक्षा दे रहा है, उसको इन क्लासों में हम लोग मनन चिंतन कर रहा है। अब सिनोडल वर्ष चल रहा है, हम लोगों की स्वर्ग की ओर यात्रा है। हमारे ये कोशिश है सब लोगों को, केवल क्रिश्चियन लोग, कैथोलिक लोग ही नहीं बल्कि अन्य सभी डिनोमिनेशन के लोग और अन्य जाति के लोग, सबको स्वर्ग राज्य मिले, सबको एक साथ लेकर के चले, प्यार से चले, प्रेम से चले, ये हमारा कोशिश है। इसलिए जो झूठी शिक्षा देने वालों को समझाते हुए सही रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है। एक बहुत बड़ा झूठी शिक्षा जो चल रहा है वो है बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना है। अभी हाल में जो टिप्पणियां मेरे चैनल में जो लिख रहा है, कई लोग बढ़ चढ़ करके ये बार बार पूछ रहा है, बाइबल में कहां लिखा है बच्चों को बपतिस्मा दो करके दिखाओ। मैं उनसे उल्टा एक सवाल ही करता हूं, बच्चों को बपतिस्मा नहीं दो ये कहां लिखा है? बच्चों को बपतिस्मा देने से बाइबल में कहां मना किया है? लेकिन पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया हुआ बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर है। प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य 47 और 48 को पढ़ेंगे, वहां पर गैर यहूदी को सबसे पहले पेत्रुस ने बपतिस्मा दिया, वो है रोमन शतपति जो कॉर्नेलियुस है उनके घर में। वहां पर लिखा हुआ, वहां पर जितने भी लोग उपस्थित है सबों पर पवित्र आत्मा आया। क्या केवल बड़े बड़ों के ऊपर आया? बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबके ऊपर पवित्र आत्मा वहां पर आया, क्योंकि पेत्रुस जो कह रहा था वे लोग ध्यान से सुन रहा था। उन सभी लोगों पर, उस घर में जितने भी लोग उपस्थित था, चाहे दूध पीने वाले बच्चे हो चाहे बड़े लोगों, सबों पर पवित्र आत्मा आया। और हमारा बाइबल साक्ष्य देता है पवित्र आत्मा गर्भस्थ बच्चों में भी तो आता है। गर्भस्थ बच्चा जो जन्म नहीं लिया उस गर्भस्थ बच्चे में भी आया। जब माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 39 से आगे पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ है माता मरियम उस घर में प्रवेश कर अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ को जब अभिवादन किया, शालोम कहा, उस समय पर पवित्र आत्मा उसमें उतर आए। केवल एलिजाबेथ में नहीं, उनके गर्भस्थ बच्चे में भी आया, वो भी आनंद के मारे उछल पड़ा। पवित्र आत्मा गर्भस्थ बच्चों को भी मिलता है, इसका मतलब है कर्नेलियुस के घर के सब लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आया। यह देखकर पेत्रुस सब लोगों को बपतिस्मा दिया। क्या बच्चों को अलग कर दिया करके लिखा है? और हमारे जो चर्च फादर्स हैं, जो आदिम काल के जितने भी चर्च फादर्स है, उन्होंने कई चीजें लिखा हुआ है, तो उनमें मेरे विचार में आयरोनियस, उनके जो
किताब है उसके अंदर सबसे पहले बच्चों को बपतिस्मा देना ये लिखा। जब ज्यादा लोग बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए है तो इस ऑर्डर में देना, सबसे पहले बच्चों को दो, इसके बाद युवक युवतियों को दो, इसके बाद बड़ों को दो। इस ऑर्डर में बपतिस्मा देने के विषय में आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स वे भी लिखा हुआ है। दूसरा सुन लीजिए, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 14 और 15 के अंदर बैंगनी कपड़ों का व्यापार करने वाली लुदिया के पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया करके लिखा है। पूरे परिवार में क्या बड़े लोग ही है। इसके बाद प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 18 वाक्य 8 एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 8 सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ बपतिस्मा ग्रहण किया करके लिखा। अपने परिवार के सारे लोगों के साथ, क्या बच्चों को अलग कर रखा था? किसने बोला बच्चों को नहीं देना? 16वीं सदी में आकर के बच्चों को अलग किया, तब तक बच्चों को भी बपतिस्मा दे रहा था। अभी शैतान की बुद्धि में बच्चों को अलग करना शुरू किया। और भी सुनिए, प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 वाक्य 32 और 33 में लिखा हुआ है, जब पौलुस उनको सीलस को जो जेल में डाला हुआ था, उस बात जब जेल का फाटक खुल गया, ये लोग जब आराधना कर रहे थे, तब वो कारापाल खुदकुशी कर रहा था, मना किया, तो उन्होंने उनके घर में इनका स्वागत किया, पौलुस और सीलस का। उन्होंने परिवार ने वचन सुना, सब कुछ इन्होंने समझाया। इसके बाद वो जो कारापाल है अपने पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा ग्रहण किया। वो परिवार पूरा उस दिन बपतिस्मा ग्रहण किया। इस प्रकार अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है पूरे परिवार को बपतिस्मा। स्तेफानुस के विषय में कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 16 में संत स्तेफानुस, जो सबसे पहला शहीद हुआ प्रभु के नाम पर, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, स्तेफानुस के परिवार को, पूरे परिवार को संत पौलुस ने बपतिस्मा दिया। इस प्रकार हर जगह पर हमें मिलेगा। जैसे दूसरी शताब्दी के एक धर्मगुरु है ओरिजिन, उन्होंने लिखा है उनके माता पिता उन्हें बाल्यावस्था में, बचपन में ही बपतिस्मा दिया है करके। उन्होंने स्वयं अपने विषय में ये लिखा हुआ है। तो संत अगस्तीन भी लिखते हैं, संत अगस्तीन, हमारे लिए एक अच्छा परंपरा मिला है प्रभु की प्रेरितों से, जो बच्चों को बपतिस्मा देना, और ये आगे भी चलते रहना चाहिए। इसका मतलब संत अगस्तीन ने जो लिखा, प्रेरितों से हमें मिलने वाले ये परंपरा है बच्चों को बपतिस्मा देना, ये चलते रहना है। इस प्रकार कई जगहों पर हमें बच्चों को बपतिस्मा देना है, ये लिखा हुआ हमें प्राप्त है। ईसा मसीह ने स्वयं मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 14 के अंदर बच्चों को मेरे पास आने दो कर करके बोला, बच्चों को दूर रखो करके बोला। शिष्य लोग, प्रेरित लोग सब बच्चों को दूर दूर कर रहे थे, क्योंकि यहूदियों में यह है बच्चों की गिनती नहीं है, स्त्रियों की गिनती नहीं है। 5 रोटी से 5,000 पुरुषों को खिलाया, कहां है स्त्री का नंबर, कहां है बच्चों का नंबर? नहीं होता था। वो प्रथा के अनुसार बच्चों को आशीर्वाद लेने के लिए आने के लिए मना कर रहा था। ईसा मसीह ने बोला बच्चों को आने दो, और उसी प्रकार स्त्रियों को गुरु से कोई शिक्षा लेने के लिए नहीं अनुमति था, अनुमति बिल्कुल नहीं था। किसी भी स्त्री किसी भी गुरु के चरणों में बैठ करके वचन नहीं सुन सकता, शिक्षा नहीं ले सकता।
लेकिन हमें मालूम है ईसा मसीह अपने शिष्यों में स्त्रियों को भी रखा था। स्त्रियां प्रभु ईसा मसीह के शिष्य बनकर के रहते थी। तो ईसा मसीह जो यहूदी नियम के अनुसार नहीं, जो प्रभु का नियम है, ईश्वर का नियम है, उसके अनुसार चला। और ईश्वर ने क्या नियम दिया था, ये अब्राहम के द्वारा ईश्वर ने एक विधान जोड़ दिया था। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 17 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 17, वहां पर ईश्वर अब्राहम के साथ एक विधान जोड़ते हैं। सबसे पहले अब्राहम का और सारा सबका नाम बदलते हैं। इसके बाद बोल रहे एक चिरस्थाई विधान, चिरस्थाई विधान मतलब हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थाई विधान रहेगा। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 7, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी चिरस्थाई विधान निर्धारित करूंगा। पीढ़ी दर पीढ़ी कभी इसको बंद नहीं करना, ऐसे एक चिरस्थाई क्या है। इसके बाद आगे वाक्य 10 में आते हैं, मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए वह इस प्रकार है, तुम लोगों में हर पुरुष का खतना किया जाए। हर पुरुष का खतना किया जाए, हमें मालूम है ईसा मसीह का भी खतना हुआ। अभी क्या है वाक्य 11, वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह रहेगा। वो एक चिन्ह है, ईश्वर का संदान बनने का एक चिन्ह है, पुरुषों में सर्कमसिशन खतना करना। वाक्य 12, तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना, किसका, बड़ों का। आज अब्राहम 99 साल का है, उनका पुत्र 13 साल का था। उस समय पर ईश्वर ने यह नियम दिया, इसका मतलब 99 साल होने के बाद खतना करना है। यहां पर प्रभु कहते हैं वाक्य 12 के अंदर, तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियम कायम रखना है। तो ईश्वर का संतान कहलाने के लिए इज़राइली लोगों को खतना करना जरूरी था। खतना के द्वारा वो ईश्वर का संतति बनता है। ईश्वर के चुने हुए संतान बनने के लिए 8वें दिन खतना करना जरूरी था। ईसा मसीह का भी हुआ। आज कलीसिया ने कहा तुम्हें खतना करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। खतना के जगह पर आज बपतिस्मा है, इसलिए खतने की जरूरत नहीं, केवल बपतिस्मा के द्वारा तुम ईश्वर के संतान बन जाओगे। यदि खतना 8वां दिन चलता था, बपतिस्मा क्यों बड़े होंगे। कई लोग बोलते ईसा मसीह ने 30 साल की उम्र में लिया था। मूर्ख लोग मूर्खता का बात करते हैं, क्योंकि उससे पहले कभी बपतिस्मा होता ही नहीं था। बपतिस्मा शुरू हुआ मसीही से, जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ईसा मसीह ने शुरू किया। योहन ने पश्चाताप की बपतिस्मा, डुबकी की बपतिस्मा था, वो ईसा मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बनाया। आज हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा का मोहर हमारे माथे पर लगता है, इस प्रकार हम क्रिश्चियन बनता है। क्या 30 साल की उम्र में क्रिश्चियन बनना है। अभी प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 10 वाक्य 1 से लेकर के हम 48 तक पढ़ करके जाएं, जहां पर हम लोगों ने कॉर्नेलियस के विषय में मनन चिंतन किया। कॉर्नेलियस
एक अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन वो ईश्वर में विश्वास करने वाला, ईश्वर विश्वासी था, मसीह में विश्वास करने वाला था। उस व्यक्ति के कारण उसके परिवार को ईश्वर ने कृपा आशीष दिया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि शतपति अपने नौकर के लिए आकर के प्रार्थना करता है। इस शतपति की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर ने उनके नौकर को चंगाई मिला। इस प्रकार जेरूस अपने 12 साल की बेटी बीमार होकर के मर रहा था, उस समय पर दौड़ करके आए और बेटी मर भी गया था। इस जेरूस के प्रार्थना के कारण अपनी बेटी को जीवन दिया गया। कई लोग बोलते हैं इसने विश्वास नहीं किया, छोटा बच्चा उसको कृपा नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा बोलता है। कितना मूर्खतापूर्ण बात है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 15 के में लिखा, तुम सारे संसार को शिष्य बनाओ और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उन्हें मुक्ति मिलेगी। ये वचन बोल करके ये लोग सिखाते हैं पहले विश्वास करना, इसके बाद बपतिस्मा ग्रहण करना। अब ये विश्वास चीज क्या है, विश्वास कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? एक व्यक्ति आया, उसको चार बातें बोलने से क्या वो विश्वासी बन गया? 30 साल में एक आदमी को आप दे रहा है, नहीं तो बड़े लोगों को दे रहा है, कितने लोग उसमें विश्वासी है? बड़े हो गया इसका मतलब विश्वासी बन गया? मार्कुस का सुसमाचार आगे ये भी बताता है, जो विश्वास करने वाला ये चिन्ह दिखाएगा, वे विष भीगा, वो मरेगा नहीं, वे सांभों को उठाएगा। क्या ऐसा एक एग्जाम होने के बाद उनको बपतिस्मा देते हैं? इसलिए झूठी शिक्षा नहीं देना है। विश्वास परिवार से अंकुरित होकर के आता है। एक बच्चे जब जन्म लेते हैं, यदि एक हिंदी बोलने वालों के, भाषा बोलने वालों के घर में जन्म लेगा, वो बच्चा हिंदी भाषा में बात करेगा। यदि अंग्रेजी बोलने वाले घर में वो बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा अंग्रेजी में बात करता है, या किसी साउथ इंडियन, मलयालम हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, ऐसे घर में जब जन्म लेना है एक बच्चा, वो बच्चा उनकी लैंग्वेज बोलता है। ये लैंग्वेज उस बच्चे को कहां से मिला? उस घर से मिला, घर की बोली। इसका मतलब हमारा विश्वास, मसीह में विश्वास घर से शुरू होता है और वो जीवन के अंत तक के विश्वास बढ़ते जाता है। यदि घर से हमारा विश्वास अंकुरित होकर के बढ़ता है, ये घर वालों का कर्तव्य है। एक बच्चे जब जन्म लिया उसको बपतिस्मा देकर उस विश्वास में उसको बढ़ाते जाएं। इसलिए क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को कैथोलिक चर्च बपतिस्मा देते हैं, अन्य लोगों को नहीं। अन्य लोगों को कैथोलिक कलीसिया में जितना धर्म शिक्षा देता है, इसके बाद उनको बपतिस्मा देता है, उतना प्रोटेस्टेंट कलीसिया में नहीं होता। कई वर्षों तक उनको चर्च आना है, चर्च से जुड़े रह करके सीखना है, चर्च के अनुसार, नियम के अनुसार रह रहे, बाइबल जान रहा है, प्रार्थनाएं जान रहा है, मिस्सा बलिदान सबका अर्थ समझ रहा है, इसके बाद उसको बपतिस्मा देता है। कैथोलिक कलीसिया समय लगा करके सिखा करके देता है, लेकिन अन्य प्रोटेस्टेंट कलीसिया में आज जाइए में आपको कल बपतिस्मा मिलेगा। ये तरीका गलत वे लोग कर रहा है, और वे लोग बच्चों को, जो क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को बपतिस्मा से वंचित भी करता है। कितना गलत बात है। तो ये बोल करके लोगों को झूठी शिक्षा में, भ्रम में डालना, ये गलत है। और बपतिस्मा एक चिन्ह है। अभी उसका एक और उदाहरण, एक दो बातें पूछ लेते हैं। ईसा मसीह क्रूस पर से जो दाहिने साइड में जो एक डाकू था, उसको स्वर्ग का राज्य दिया, उसको कौन सा बपतिस्मा दिया?
आग्रह की बपतिस्मा, कैथोलिक कलीसिया से कहते हैं, उनका एक आग्रह की बपतिस्मा, उनकी इच्छा था। और दूसरी बात, वो अपना खून बहाया, अपने गुनाहों को वहां स्वीकार किया और वो प्राण अर्पित कर स्वर्ग जाने का एक आग्रह उनके अंदर आया मसीह के साथ रहने का। उसके कारण उसको वहां पर स्वर्ग राज्य मिला। कोई कहीं भी ले जाकर के डुबकी का बपतिस्मा नहीं दिया। इस प्रकार अनेकों उदाहरण ले सकता है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 के अंदर ईसा मसीह ने स्वर्ग राज्य में कौन जा रहा है इसके विषय में, जो न्याय के दिन में अंतिम दिन में जो होने वाला है इसके विषय में मसीह ने स्वयं सिखाया। वहां पर वाक्य 31 से, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, देखो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। ये भेड़ या बकरी कौन है, अभी आगे लिखा हुआ है 34 से। तब राजा ने दाएं के लोगों से अर्थात भेड़ों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया है। इसके बाद प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेशी था, मैं बंदीगृह में था, मैं बीमार था, तुमने मेरी सेवा किया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, मेरे नग्नता को ढका, जो कुछ किया वो मेरे लिए किया। तब वे लोग पूछते हैं, हमने प्रभु आपके लिए कब किया। वाक्य 40 में जाते हैं, वहां पर प्रभु उसका उत्तर दिया, तुमने इन 99 में से किसी के एक के लिए जो कुछ किया है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। यहां पर बपतिस्मा डुबकी लगाने वालों को स्वर्ग मिलेगा करके कहां लिखा है। ये डुबकी ये बड़ों का बपतिस्मा ये बोल करके मत जियो। वचन के अनुसार जो कलीसिया सिखाता है, कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया का मतलब है प्रभु का शरीर का अंग, इस कलीसिया से जुड़ना है। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया पेत्रुस के अगुवाई में, उससे जुड़ करके हम रहेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमें जो बपतिस्मा बचपन से मिला, जिस प्रकार जो पूर्व पिता ओरिजिन ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में ही बपतिस्मा दिया, और संत अगस्तीन ने कहा, हमें प्रेरितों से ये मिला है कि बच्चों को बपतिस्मा देना वो देता रहेगा, क्योंकि प्रभु बच्चों को चाहता है। बच्चों को विश्वास में बढ़ाना ये कर्तव्य परिवार का है, समुदाय का है, कलीसिया का है। जो बच्चा बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया से जुड़ेंगे, वो कलीसिया में रहकर अपने विश्वास में बढ़ते जाएगा। विश्वास करना और बपतिस्मा लेना, ये दो बात होता है। विश्वास जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये चलता रहता है, इसलिए विश्वास करने के बाद बपतिस्मा ये बोलना गलत है। निर्णय कीजिए। हम कैथोलिक कलीसिया का जो शिक्षा के अनुसार प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण कर वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन जिएंगे, विश्वास की जीवन जिएंगे। ईसा मसीह मेरा मुक्तिदाता है ये स्वीकार करेंगे। मसीह के अलावा कोई मुक्तिदाता नहीं है, केवल मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा मिलता है। विश्वास कीजिए। इस विश्वास के द्वारा आपके नाना प्रकार के बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपका कष्ट पीड़ाएं दूर हो जाएगा। ईसा मसीह में विश्वास कीजिए, स्वीकार कीजिए, हृदय से विश्वास स्वीकार कीजिए मुझसे।
मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता, ईसा मसीह के नाम पर सबों को चंगाई प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।